हमारे चैनल अवस्थी वाइटेलिटी को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम सुभाषिस दास है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर भद्रक से रहने वाले। और एज क्या है सर आपकी? 39 है सर। सर अपन जनवरी में कॉन्टेक्ट में आए थे। हाँ जी सर। क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर कमर में दर्द था सर, और स्पाइनल इंजरी था थोड़ा। हाँ हाँ। तो मेरा भैया ने मेरे को सजेस्ट किया आपसे बात करने के लिए। ओके। तो वो टेलीफोनिकली मैं कांटेक्ट में आया सर। जी जी। तो व्हाट्सएप में सेंड किए, फिर मैसेंजर में वीडियो कॉल करके मेरे को देखे। ठीक है। फिर देखने के बाद दवाई दी है सर। ओके। मेरे को दवाई से हम थोड़ा रिलीफ हुए हैं सर। हाँ। पहली दवा से थोड़ा थोड़ा रिलीफ हुआ है सर। हाँ हाँ। उसके बाद सेकेंड डोज चल रहा है, अभी फिलहाल कुछ दर्द नहीं है। थोड़ा रिलीफ हुआ तो आप आ गए रायपुर, है ना? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। एक चीज बताएंगे, वर्किंग क्या है सर आपकी? सर आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन सर। ओके। थर्ड चीज ये है कि आपने कुछ बताया कि आपका ट्रेवलिंग पार्ट भी है ना? हाँ जी। हाँ जी सर। तो जब आपका ऑपरेट भी हो चुका है कमर का? हाँ सर। कब हुआ था सर ये? सर ये 2011 में हुआ था सर। और वापस से रीअकर अभी हुआ आपको? हाँ, 2022 में? 21 में हुआ था। 21 में, जनवरी में हुआ। ठीक है। तो ये बताएंगे जैसे कि रीअकर हुआ, उसके बाद आपका ड्यूटी वगैरह चल रहा था कि प्रॉब्लम था? नहीं चल रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। ओके। और जब मैं ट्रीटमेंट शुरू किया, क्या मैं आपको बेड रेस्ट वगैरह करवाया था? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ड्यूटी चालू थी? चालू थी सर। सर ट्रैवलिंग कितना होता है ड्यूटी में आपका? ट्रैवलिंग हर देर 5-6 किलोमीटर वॉकिंग रहता था। नहीं नहीं, यानी कि घर से ऑफिस कितना किलोमीटर कितना है? सर वो तो घर से ऑफिस में, ऑफिस के पास रहता था सर। हाँ हाँ। लेकिन हफ्ते में घर जाता था सर। ओके। सर घर 70 किलोमीटर था। 70 अप डाउन है ना? हाँ सर। ओके। तो एक चीज ये बताएंगे जैसे कि भाई प्रॉब्लम हुआ, कमर का प्रॉब्लम बढ़ गया था आपका, तो उस समय ये ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे थे कि कंप्लीट बेड रेस्ट में थे आप? नहीं कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब हम मेडिसिन शुरू किए, क्या मैंने आपको बेड रेस्ट करवाया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मेडिसिन चालू किए, फिर धीरे धीरे रिकवरी आया आपको? हाँ सर। अभी ये बताएंगे उस समय जनवरी में क्या हाल था आपका? जनवरी में मैं ठीक से बैठ के खाना नहीं पा रहा था सर। अच्छा। बेड में थोड़ा सा अच्छा से सो नहीं पा रहा था। हाँ। लेकिन नौकरी तो कर रहे हूँ तो उसको ड्यूटी करना ही पड़ता था सर। बिल्कुल। बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेडिसिन खाने के बाद दिक्कत चला गया सर। ठीक है ठीक है। सेकंड चीज, मेरे मेडिसिन में कोई परहेज, कोई एक्सरसाइज बहुत ज्यादा, कोई पेन किलर खिलाया नहीं, मैं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर। जो भी आप टर्निंग जो लिक्विड देते हैं, हाँ, उसको हम खाते थे सर। और भी ऐसे कुछ नहीं है। अभी हमारा 2 कोर्स फिनिश हुआ है, थर्ड पे आप चल रहे हैं। तो अभी कमर का केवल जो कमर में पेन था सीवियर आपको जनवरी में, वो क्या हाल है? बिल्कुल भी नहीं है सर, कमर का पेन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर एक चीज बताएं, पेन किलर कितनी खा रहे हैं अभी? बिल्कुल 0%। अच्छा, अभी आप भद्रक से आए हैं यहाँ? हाँ सर, भद्रक से रायपुर आए। कितना किलोमीटर है सर? लगभग भद्रक से अगर ये करें तो 700 के ज्यादा। 700 से ज्यादा। तो ट्रेवलिंग बाई ट्रेन बाई कार? बाई ट्रेन में। कोई प्रॉब्लम हुआ ट्रेवलिंग में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। ये जो आप बोल रहे हैं मेरा फोर्स तो नहीं है इसमें? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। हमारे यहाँ बस एक ही लास्ट क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से, ट्रीटमेंट आपका चला कहाँ था जी? आपको किसी वाइटेलिटी सेंटर में, आपको किसी ब्रदर ने बताया था आपके? हाँ हाँ, मेरा पीस का बेटा है। हाँ हाँ। वो पूरा रिकवर हुआ है, मेरे जान पहचान है, इसीलिए मैं ऑपरेशन होने के बावजूद ओके आई चूज टू ट्रिप फ्रॉम यू। चलिए बहुत बढ़िया। आपका तो अभी 2 कोर्स हुआ है, 2 बच्चा भी है ना? हाँ, तो इसमें आप आराम से वर्किंग रनिंग तक आ जाओगे, है ना? ठीक है, बीच में आप कभी भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, है ना? नहीं आएंगे तो प्रोसेस तो चल ही रहा है ना? ठीक है। ओके सर, एक छोटे से फीडबैक के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।